आशीर्वाद मिलेंगे और क्या क्या यहाँ पर होने वाला है, पार्क वगैरह का भी निर्माण। जन्मदिन मनाया रे गुरु जी का फरवर में, जन्मदिन मनाया रे गुरु जी का फरवर में, आधार के आया रे गुरु मेरा फरवर में, आधार के आया रे गुरु मेरा फरवर में, जन्मदिन मनाया कितना प्यारा रे गुरु मेरा फरवर में है, जन्मदिन मनाया रे गुरु जी का फरवर में, जन्मदिन मनाया रे गुरु जी का फरवर में।
रामदास जी का यहाँ जो कार्यक्रम हो रहा है, किस क्या चीज़ को लेकर हो रहा है, क्या तरह का रूपरेखा इसका होगा? देखिए, प्रत्येक साल संत गुरु श्री मणि रविदास जी का जयंती हम लोग मनाते हैं। अगला बार जो है हम लोग धर्मशाला का निर्माण किए थे, उस समय संत गुरु रविदास जी का मूर्ति स्थापित करके हम लोग जो है भव्य रूप देने के लिए उसको प्रयासरत हैं। इस बार हम लोग जयंती के रूप में मनाए जा रहे हैं। कोविड यानी कोरोना को देखते हुए इस बार जो है मंदिर का विकास नहीं हो पाया है, इसलिए हम लोग अभी इस बार जो है जयंती के रूप में मनाया जा रहा है। मुख्य रूप से उपायुक्त महोदय भी आने वाले हैं, महोदय अभी आए थे, और आरक्षक अधीक्षक यानी कि एसपी साहब भी अभी कुछ ही क्षणों में किताब का जो है लोकार्पण करके उन्होंने अपना संदेश को दे करके अभी तुरंत ही विदा हुए हैं। यहाँ पे मैं जैसे जान रहा हूँ सर कि पहले करीब साल भर पहले टीवी कलाकार गुलशन पांडे जी भी यहाँ पे आए थे, एक फिल्म का निर्माण हुआ था जी जी, इसे मैं क्या कहना चाहेंगे? जी, इसके पहले ही यहाँ जो है इस मंदिर को पूरे झारखंड में पहली बार देवघर जिला है जो कि संत शिरोमणि रविदास का जो है मंदिर का निर्माण हुआ है। तो वहाँ जब मुंबई में इसका संदेश पहुँचा तो वहाँ कुछ कलाकार जो है इसका शूटिंग लेने के लिए इस मंदिर पर आए। कलाकार सोनी में जो आते हैं गुलशन पांडे, काफ़ी पॉपुलर कलाकार हैं, वो यहाँ पे आए थे और वहाँ यहाँ पे फिल्म का वो शूट शायद कर रहे थे जैसे कि मुझे पता है। तो यहाँ पे जो रविदास जी का जो मंदिर का निर्माण हो रही है, तो कितने बड़े एरिया में हो रही है, क्या क्या डेवलपमेंट होने वाली है यहाँ पर? देखिए, यहाँ तो सबसे पहले मंदिर का जो है जो बाकी कार्य है उसको भी हम लोग पूरा करने वाले हैं, और मुंबई से जो कलाकार आए हुए थे शूटिंग करने के लिए उन्होंने इस मंदिर को देख करके उन्होंने भी अपना चंदा स्वरूप यहाँ चंदा के रूप में दिया था। मंदिर के रूपरेखा क्या होगी सर, कितने बड़े एरिया में बन रही है ये? देखिए, मंदिर का स्वरूप अभी हम लोग कहा नहीं जा सकता है, भव्य से भव्य रूप हम लोग जो है देने का प्रयास करेंगे। जमीन का एरिया लैंड क्या है यहाँ हम लोग? अभी देखिए लगभग 5,000 के स्क्वायर फीट में हम लोग जो है उसमें निर्माण कार्य कर रहे हैं। रविदास जी का ही मंदिर बनेगा या और कुछ और भी किसी गुरु का बनेगा? अभी तो हम लोग रविदास मंदिर ही बनाने का सोच रहे हैं। पर्यटक स्थल के रूप में लोग आएंगे जैसे मुझे लग रहा है, जैसे जितना बड़ा एरिया आप बता रहे हैं यहाँ लोग आएंगे, रविदास जी का आशीर्वाद लेंगे, प्रार्थना करेंगे, और क्या क्या यहाँ पर होने वाला है, पार्क वगैरह का भी निर्माण करने वाले हैं? देखिए, मैं रविदास मंदिर जो है उसके बगल में अंतर्राष्ट्रीय बस अड्डा भी है, यहाँ बहुत यात्रियाँ उतरेगी और इस रविदास मंदिर को देख करके उनकी आत्मा को शांति मिलेंगे और वो यहाँ जो है अपना शांति का संदेश लेकर के जाएंगे। क्या कहना चाहेंगे देवघर वासियों को, क्या मैसेज आएगा आपको? देखिए, देवघर को मैं जो सबसे पहले धन्यवाद देना चाहता हूँ कि इस कमेटी की ओर से मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ देवघर वासियों को।